रोज स्कूल नहीं आती हो ना, के पाठक जी आएंगे ना तो बहुत मार मारेंगे, इसलिए रोज स्कूल आना है। क्या है पॉकेट में, क्या लाई हो देखे? या क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। दोस्तों कई सालों के बाद आज मैं सरकारी स्कूल में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे यहां पर प्रेजेंट है। कैमरामैन से चाहूंगा कि चारों तरफ दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए। और एक के पाठक जी का बहुत ही एक अच्छा प्रयास है कि हर घर से बच्चा पढ़े, गरीब बच्चा भी पढ़े और हमारे बिहार का नाम रोशन करे। ऐसे अगर कहा जाए कि कोई भी जॉब में नंबर वन, अगर किसी भी पद पर, अगर ऊंचा पद पर भी अगर देखा जाए तो एक बिहारी ही होता है। मगर के पाठक जी का एक सोच है कि हर गरीब का बच्चा भी एक नंबर वन बने और बिहार का नाम एजुकेशन में करे, क्योंकि बिहार का नाम ऐसे भी एजुकेशन में धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहा था, मगर केजरीवाल वाला फार्मूला अपना लिए हैं नंबर वन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि काफ़ी छोटे छोटे जो बच्चे हैं इस स्कूल से, मैं ज़्यादा इसलिए इम्प्रेस हूँ और ज़्यादा खुश हूँ कि विदाउट ड्रेस वाले वन साइड हैं, और उसके बाद इधर देखेंगे जितने सारे ड्रेस में हैं वन साइड हैं, और उसके बाद विदाउट सेट उधर बॉयज हैं वो साइड हैं। अब हम पूछना चाहें, रोज आप स्कूल आती हो? झूठ मत बोलना, जोर से बोलना। हफ्ता में कितना दिन आती हो, मतलब सात दिन में कितना दिन आती हो? दो दिन, तीन दिन या सातों दिन आती हो? नहीं पता है। अच्छा आप बताओ, रोज आता है? आए आए नहीं आता है, ये रोज नहीं आता है, तो सिर्फ खाने आता है क्या है जी? सर आधार कार्ड बनाए गए थे। आधार कार्ड? अच्छा रोज स्कूल आता है ना? आप आते हो ना? कखग आपको पढ़ने आता है? आए पढ़िए तो, का खा पढ़िए। हाँ हाँ हाँ। और नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, कैमरे के सामने कुछ बच्चे जो हैं से डर भी जाते हैं, मगर सच्चाई ये है कि आज ये सब जितने जो बच्चे हैं ये बहुत ही गरीब घर के हैं, आप इनके चेहरे से देख सकते हैं। और इनके पास ड्रेस नहीं है, मगर बहुत जल्द इन लोगों के पास यूनिफॉर्म भी आ जाएगा। और चलिए बेटा, आप रोज स्कूल आते हैं? जोर से बोलिए। आते हैं? ए बी सी डी आता है आपको? है नहीं? रोज स्कूल नहीं आती हो ना, के पाठक जी आएंगे ना तो बहुत मार मारेंगे, इसलिए रोज स्कूल आना है। आना है ना? के पाठक जी को जानते हो आप? हैं कौन है आपके, कौन है? ये बोल रही कि मैं के पाठक को जानता हूँ, मगर इनको बोल रही कौन है मुझे नहीं पता है। मगर ये देख लीजिए इतने सारे, मगर अब चलिए इन सारे जो बच्चे विदाउट ड्रेस में हैं, काफ़ी गरीब हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर ड्रेस यूनिफॉर्म का भी, तो देखिए इनका भी जैसे यूनिफॉर्म जो है, देखिए गांव का एक रीति जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। ये फटा हुआ है, मगर क्या है पॉकेट में, क्या लाई हो देखे? या क्या है, क्या लाई हो ये? आए डरो नहीं, क्या लाई हो ये? आए पकौड़ी है, पकौड़ी है, ये पकौड़ी ले आई है। देखिए बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा शरारती होते हैं, और इनको खाने के लिए पॉकेट में रख ली है, देख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, मगर बच्चे स्कूल आ रहे हैं। जैसे आप इनका देखिए, रोज स्कूल आते हैं आप? हाँ। रोज पढ़, किस क्लास में पढ़ती हो? चौथा। चौथा में पढ़ती हो? फोर का स्पेलिंग पता है? नहीं पता है, मगर कोई बात नहीं, मगर रोज स्कूल आना। और मैडम जी को रोज कहना कि नहीं आएंगे तो के पाठक जी को बोल देंगे फोन करके, ठीक है? हाँ। रोज आना है ना? हाँ। तो चलिए देखिए, अब ये देखिए, रोज स्कूल आते हैं आप? रोज किस क्लास में पढ़ती हो? सेवन। सेवन का स्पेलिंग? एस ई वी ई एन। अच्छा के पाठक जी को जानती हो आप? हाँ। कौन है आपके, है कौन है आपके? अच्छे आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक जी का क्या नाम है? अनवर अंसारी। कैसे शिक्षक हैं? अच्छे हैं। मारते उड़ते हैं? नहीं नहीं मारते, पढ़ाते हैं। हाँ। चलिए काफ़ी अच्छा, जिनके स्कूल के प्रधानाध्यापक अगर अच्छे होंगे और सारे शिक्षक सहयोगी होंगे तो स्कूल नंबर वन बनेगा।
अगर मैं इस बाउंड्री का अगर बात करूं तो बहुत ही अच्छा खासा बाउंड्री है, मगर यहां पर कुछ कार्य भी चल रहा है, अभी कार्य प्रगति पर है, मगर आने वाला समय में यही सरसौली गांव का नंबर वन स्कूल बन सकता है, बशर्ते एक शिक्षक का सपोर्ट होना चाहिए। तो अभी हम चाहेंगे कि इन लोग प्रे अभी हुआ है और ज़्यादा और मौसम भी अच्छा है। आप रोज स्कूल आती हो? यस सर। किस क्लास में पढ़ती हो? फाइव। क्या स्पेलिंग? SIS। हाँ हाँ। एस आई एस नहीं, फाइव पाँच जो होता है उसका बोलना है। एस नहीं। रोज स्कूल आती हो तो ध्यान, मैडम लोग पढ़ाते हैं ना, तो फिर ऐसा क्यों होता है आप ध्यान नहीं देते हैं? यार रोज नहीं आ रही, आप झूठ बोल रही है। आते हैं सर। नहीं, झूठ बोल रही है आप। आते हैं हरदम। हरदम आते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए और यहाँ देखिए, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सेवन क्लास में। सेवन का स्पेलिंग पता है? ACBEN, सेवन। अच्छा, आपका पहाड़ा जानती हो? हाँ। कितना तक जानती हो? बीस तक। आप उसमें 15 का पढ़ा सुना दिए। 15, 20, 25, 60, 75, 95, 105, 115, 120, 115, 115, 120, 115, 115, 120, 150, 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 150
मिस्टेक होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए सारे बच्चे यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं और एक के पाठक जी का एक प्रयास बहुत अच्छा गया किया गया और साथ में हमारे जितने सारे शिक्षक हैं इन लोग का भी सहयोगी काफ़ी अच्छा है। मगर चलिए अब हम टीचर से कुछ बात कर लेते हैं। पहले मुन्ना जी को सो थैंक यू कि यहाँ पर मुन्ना जी के जरिए मैं आया था और कई सालों से मतलब 2-3 सालों से ही बोल रहे थे कि मेरे स्कूल में आइए। और साथ में बुधन जी, यहाँ बुधन जी भी हैं, वे भी बोल रहे थे कि आइए मगर समय नहीं जुट रहा था, मगर आ चुके हैं। मैम आप लोग डेली आते हैं? डेली आते हैं जी। अच्छे आप आते हैं मैम डेली? हाँ आते हैं। आप मैम जी? आप जी सर? आप जी सर? आप यस सर। अगर आप लोग ये बच्चे जो होते हैं देश के भविष्य होते हैं और कहा जाता है कि टीचर जो हैं काम अच्छे से नहीं करते हैं, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने स्कूल को नंबर वन बनाएंगे। अगर आप नंबर वन बनाएंगे तो आपको हर कोई अच्छा बोलेगा, यानी समझिए कि आप ही के ये बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मेरे बच्चे हैं उस दिन आपका नंबर वन हो जाएगा। जिस दिन ये बेचारी बेटियां है जिस दिन अच्छा पढ़ेगी ना तो उस दिन आप ही लोग का नाम लेगी और ये आपके स्कूल का नाम लेगी। मैडम जी पढ़ाती हैं कि नहीं, झूठ नहीं बोलिएगा। अच्छा क्या आज खा के आई हो है? सुबह में क्या खा के आई हो? बोलो। भूखी आई हो? कुछ नहीं खाई हो? कुछ नहीं खाई हो? क्या खाई हो? हैं? चाय। हैं? चाय। साग? चाय। चाय, चाय और बिस्कुट, यानी चाय पी के आई है। ओ सुबह सुबह का समय होता है, काफ़ी लोग के यहाँ नहीं खाना बन पाता है और काफ़ी गरीब घर के लोग हैं। तो चलिए दोस्तों, और यहाँ पर जो भी मैंने वीडियो बनाया है काफ़ी अच्छा बनाया है और एक अच्छा मैसेज भी देने के लिए वीडियो को बनाया है। मैं नेगेटिव नहीं बनाता हूँ इस वीडियो में, अगर जो नेगेटिव होगा उसको नेगेटिव नहीं समझिएगा, उसको पॉजिटिव समझिएगा, क्योंकि जो बच्चे दिखते हैं वही समझ में आता है और जो दिखता है वही चीज़ बिकता भी है, मार्केट में जो दिखता है वही बिकता भी है। तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं मगर अब लगातार लोग आ रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।